I've fallen in love with I Love. I love. Él vole, wow. श्री कृष्ण बर्बरीक से बड़े तीखे प्रश्न पूछ रहे थे और बर्बरीक इन तीखे प्रश्नों के सटीक उत्तर दे रहा था। उस घड़ी श्री कृष्ण के होठों पर बिखरी मुस्कान देखते ही मैं समझ गया था कि कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा अद्भुत और अनूठा जिसे मुझको आती हुई पीढ़ियों के लिए संभाल कर रखना होगा। जो होने वाला था उसे या तो मैं जानता था या श्री कृष्ण स्वयं बर्बरीक भी उससे अनजान था। उसे तो धुन थी अपनी मनोकामना पाने की, अजेय होने की मनोकामना, अपराजित बनने की मनोकामना, जिसके लिए उसने गुरु विजय सिद्ध सेन की ऐसी सेवा की कि वो प्रसन्न हो गए और फिर हरि कृपा और गुरु के आशीर्वाद की छाया में उसने परीक्षा के उस मार्ग पर पहला पग रखा जिसके अंत पर उसकी मनोकामना बाहें फैलाए उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ऐं ग्रीं क्लीं
चामुंडाए विचे ओम एं ग्रीं क्लीं चामुंडाए विचे ओम एं ग्रीं क्लीं चामुंडाए विचे ओम एं ग्रीं क्लीं चामुंडाए विचे ओम एं ग्रीं क्लीं चामुंडाए विचे ओम एं ग्रीं क्लीं चामुंडाए विचे ओम एं ग्रीं क्लीं चामुंडाए विचे ओम एं ग्रीं क्लीं चामुंडाए विचे ओम एं ग्रीं क्लीं चामुंडाए विचे ओम एं ग्रीं क्लीं चामुंडाए विचे ओम एं ग्रीं क्लीं चामुंडाए विचे ओम एं ग्रीं क्लीं चामुंडाए विचे ओम एं ग्रीं क्लीं चामुंडाए विचे ओम एं ग्रीं क्लीं चामुंडाए विचे ओम एं ग्रीं क्लीं चामुंडाए विचे ओम एं ग्रीं क्लीं चामुंडाए विचे ओम एं ग्रीं क्लीं चामुंडाए विचे ओम एं ग्रीं क्लीं चामुंडाए विचे ओम एं ग्रीं क्लीं चामुंडाए विचे ओम एं ग्रीं क्लीं चामुंडाए विचे ओम एं ग्रीं क्लीं चामुंडाए विचे ओम एं ग्रीं क्लीं चामुंडाए विचे ओम एं ग्रीं क्लीं चामुंडाए विचे ओम एं ग्रीं क्लीं चामुंडाए विचे ओम एं ग्रीं क्लीं चामुंडाए विचे ओम एं ग्रीं क्लीं चामुंडाए विचे ओम एं ग्रीं क्लीं चामुंडाए विचे ओम एं ग्रीं क्लीं चामुंडाए विचे ओम एं ग्रीं क्लीं चामुंडाए विचे ओम एं ग्रीं क्लीं चामुंडाए विचे ओम एं ग्रीं क्लीं चामुंडाए विचे ओम एं ग्रीं क्लीं चामुंडाए विचे ओम एं ग्रीं क्लीं चामुंडाए विचे ओम एं ग्रीं क्लीं चामुंडाए विचे ओम एं ग्रीं क्लीं चामुंडाए विचे ओम एं ग्रीं क्लीं चामुंडाए विचे ओम एं ग्रीं क्लीं चामुंडाए विचे ओम एं ग्रीं क्लीं चामुंडाए विचे ओम एं ग्रीं क्लीं चामुंडाए विचे ओम एं ग्रीं क्लीं चामुंडाए विचे ओम एं ग्रीं क्लीं चामुंडाए विचे ओम एं ग्रीं क्लीं चामुंडाए विचे चामुंडाए विचे ओम एं ग्रीं क्लीं 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 चामुंडाए विचे ओम एं ग्रीं
विचे ओम एं ग्रीं क्लीं चामुंडाय 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 विचे चामुंडाय विचे ओम एं ग्रीं क्लीं 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 चामुंडाय विचे बालक प्रणाम माता। यशस्वी भव, तुम्हारी साधना सफल हो गई। तुम्हारी साधना का फल ये तीन बाण हैं। ये बाण तुम्हें संसार में अजय बना देंगे। अब तुम्हें इस संसार में कोई परास्त नहीं कर पाएगा। कृपा कृष्ण की हो गई, पाया गुरु वरदान, बरबरीक अब बन गया परम वीर बलवान, परम वीर बलवान। आओ शिष्य, बधाई हो। इन वाणों को पाकर तुम अजय हो जाओगे। मैं तुम्हें इनके गुण बताता हूं। पहले वाण पर यदि तुम सिंदूर लगाकर छोड़ोगे तो ये लक्ष्य और शस्त्र दोनों को एक स्थान पर एकत्रित करके उन पर चिन्ह बना देगा। दूसरा वाण छोड़ोगे तो ये लक्ष्य और शस्त्र दोनों को समाप्त कर देगा। और ये तीसरा वाण अतिरिक्त है, इसकी तुम्हें कदाचित आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शिष्य, अब तुम में ऐसी शक्ति आ गई है कि तुम चाहो तो सृष्टि का नाश भी कर सकते हो। ये सब आपकी कृपा है गुरुदेव। आपने मुझे कृतार्थ कर दिया है और आपकी गुरुदक्षिणा भी मुझ पर अनिवार्य हो गई है। गुरु दक्षिणा में तुम्हें मुझे दो वचन देने होंगे शिष्य। पहला वचन तो ये कि तुम इस अद्भुत शक्ति का प्रयोग केवल युद्ध में ही करोगे, किसी निजी झगड़े में नहीं। और दूसरा वचन ये कि युद्ध में केवल तुम दुर्बल पक्ष का ही साथ दोगे। मैं आपको वचन देता हूं गुरुदेव, मैं इन वाणों का प्रयोग निजी झगड़ों में नहीं करूंगा और युद्ध में दुर्बल पड़ने वाले पक्ष का ही साथ दूंगा। तो जाओ शिष्य, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। जब भी जाओ युद्ध में दो दुर्बल का साथ, सदा रखेंगे बाण ये विजय
तुम्हारे हाथ, विजय तुम्हारे हाथ। यदि तुमने इन्हें कोई भी क्षति पहुंचाई तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। आपने हमारे प्राणों और धन संपत्ति की रक्षा की है। आपके प्राणों की रक्षा करना तो मेरा कर्तव्य था। हम आपके बहुत आभारी हैं। वत्स, प्रणाम गुरुदेव। बड़े सौभाग्यशाली हो, आज ही सिद्धि मिली और आज ही अपूर्वता परखने का अवसर भी मिल गया। देखा इन बाणों का चमत्कार, आज तुम्हारे लक्ष्य की संख्या केवल 8 थी, किंतु यदि 800, 8000 अथवा 800,000 होती तो भी तुम्हारा पहला वाण इन्हें पंक्तिबद्ध कर देता और दूसरा उन्हें भेद डालता, जिसका प्रमाण तुम स्वयं देख चुके हो। वत्स, ना तो ये वाण आज तक किसी को मिले हैं, कदाचित तुम्हारे पश्चात ना ही किसी को मिलेंगे। मैं समय हूं, बर्बरीक नई शक्ति और नई पहचान पा चुका था, और उधर
पांडवों की पहचान भी खो चुकी थी। वो अज्ञातवास का वर्ष बिता रहे थे और सारे संसार से अपनी पहचान छिपाए फिर रहे थे, क्योंकि यदि कोई उन्हें पहचान लेता तो वनवास का कर्म फिर से आरंभ हो जाता। एक दिन महावीर भीमसेन घूमते हुए गुप्त क्षेत्र में जा निकले। पानी से भरा ताल देखकर उन्हें विश्राम की सूझी। अरे कौन हो तुम, ये क्या कर रहे हो? देखते नहीं हो, पांव धो रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ? देखने में तो इतने लंबे चौड़े लगते हो, पर इतनी छोटी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती कि ये जल पांव धोने के लिए नहीं है। देखने में तो तुम भी ठीक ठाक ही लगते हो, कि तुम इतनी सी बात नहीं समझते कि जल तो पांव धोने के लिए ही होता है। जल स्वच्छ करता है, पवित्र करता है। मैं इसी जल से देवी की अर्चना करता हूँ। अर्चना का जल से क्या संबंध वत्स? तुम तो उन कट्टरपंथियों की भांति बात करते हो जो पूजा नहीं करते, पूजा का अडंबर रचाते हैं। पूजा और अर्चना के लिए जल पुष्प और द्वीप नहीं, हृदय की श्रद्धा की आवश्यकता होती है। मुझे पूजा अर्चना की रीत न सिखाओ। मैं कहता हूँ चुपचाप उठो यहाँ से और इस जल को गंदा मत करो। जल हर वस्तु को स्वच्छ करता है वत्स, इसे कौन गंदा कर सकता है? गंगा पापियों के पाप धोती है, पापियों के स्नान करने से गंगा स्वयं दूषित नहीं हो जाती। मैं कहता हूँ उठो यहाँ से। लगता है तुमने बड़ों का आदर करना नहीं सीखा। अब भी समय है, बड़ों का आदर करना सीखो। कहो तो मैं सिखा दूं। मुझे जो कुछ सीखना था मैं सीख चुका हूं, मुझे और कुछ नहीं सीखना, और वो भी तुम जैसे मूर्ख और बुद्धिहीन व्यक्ति से। एक पग भी आगे बढ़ाए तो टांग तोड़ के रख दूंगा। मूर्ख, यदि मेरी टांग से उलझाना तो भूल जाएगा तेरा जन्म कब हुआ था, हुआ भी था या नहीं। तो तू यूं नहीं मानेगा।
जाने कौन है ये युवक जिसने मुझे थका के रख दिया है। हो ना हो, इसके पास अवश्य कोई दैवी शक्ति है जिसने मेरे सास की परीक्षा लेने की ठान रखी है। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? आप बीच में से हट जाइए महर्षि, मैं इस दुष्ट हठ धर्मी को बताकर ही रहूंगा कि बड़ों का आदर किस प्रकार किया जाता है। क्षमा कीजिएगा महर्षि, मैं भी इसे अपने अर्चना के जल की अपवित्र करने का दंड देकर रहूंगा। ठीक, जी भर कर लड़ो, समाप्त कर दो एक दूसरे को, पर इतना याद रखना कि जो रक्त तुम्हारे शरीर से बहेगा और जो रक्त तुम्हारे घाव से फूटेगा उसमें एक ही कुल की मर्यादा और एक ही वंश की परंपरा का रंग झलक रहा होगा जो बूंद बूंद करके मिट्टी में मिल जाएगा। आप क्या कह रहे हैं महर्षि? हम ठीक कह रहे हैं। तुम जिससे टकरा रहे हो, तुम जानते हो वो कौन है? भीमसेन। भीमसेन दादाश्री? हाँ बरबरी। ये तुम्हारे दादा श्री वीर पांडुपुत्र महावीर भीमसेन हैं और ये तुम्हारा पौत घटोत्कच पुत्र वीर बर्बरीक है। बर्बरीक मेरा पौत्र? मुझे क्षमा कर दो पौत्र, मैं तुम्हें पहचान ना सका। मैं तो क्षमा के योग्य भी नहीं दादा श्री। धिक्कार है इस जीवन पर, मैंने अपने पूज्य दादा श्री का अनादर किया, आवेश में आकर इन्हें न जाने क्या क्या कह डाला। दादा श्री, मैंने ऐसा पाप किया जिसका प्रायश्चित भी संभव नहीं। जो पाप भूल से हो जाए पौत्र, उसका पश्चाताप ही प्राश्चित है। नहीं दादाश्री, यह भूल उस शक्ति का घमंड है जो मुझे वरदान में मिली है। दादाश्री, मैं ऐसी शक्ति नहीं चाहता, नहीं चाहता दादाश्री। रुक जा पौत्र, बर्बरीक रुक जा पौत्र। जाने दो उसे भीमसेन। गुरुदेव, क्या हुआ वत्स? ये वरदान, ये शक्ति आप अपनी वापस ले लीजिए। क्यों गुरुदेव? आज इन शक्तियों के कारण मेरे हाथों से घोर अन्याय, एक महापाप होते होते बचा। गुरुदेव, उन शक्तियों से क्या लाभ जो मेरे वरिष्ठ, मेरे संबंधियों की शत्रु बन जाए और उनके लिए हानिकारक सिद्ध हो। शक्ति प्राप्त कर लेना बहुत सरल है शिष्य, किंतु ये ज्ञान प्राप्त करना कि शक्ति का प्रयोग कब, कहां और किस पर किया जाए बहुत कठिन है, बहुत कठिन है शिष्य। शक्ति गंगा के समान है जिसे संभालने के लिए शिव की जटाओं की आवश्यकता होती है।
यही तो समस्या है गुरुदेव। मुझ में यह ज्ञान नहीं, मुझ में वो सहनशीलता नहीं, मुझ में इस शक्ति का घमंड आ गया है गुरुदेव। आप अपना यह वरदान वापस ले लीजिए, मैं इस शक्ति के योग्य नहीं। वरदान देकर वापस नहीं लिया जा सकता, वरदान तो उसे ही मिलता है शिष्य जो वरदान के योग्य होता है। यह भी अच्छा हुआ कि तुम्हें इस सत्य का ज्ञान हो गया। शक्ति सदा दूसरों की रक्षा के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए होती है। इसका दुरुपयोग ग्लानि और पश्चाताप का कारण बन जाता है। अपने वरदान का सदुपयोग सीखो, यदि सीख गए तो संसार तुम्हारे आगे सर झुकाएगा। हां, मैं तुम्हें अनुशासन की शिक्षा देना तो भूल ही गया था। शक्ति के साथ अनुशासन का ज्ञान उतना ही आवश्यक है। हमें विश्वास है शिष्य, जो घटना आज तुम्हारे साथ घटी है वो जीवन भर तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। शक्ति से दूर मत भागो शिष्य, शक्ति को अपने वश में करो, दूसरों के कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए। बरबरीक ने इस घटना से कुछ सीखा हो या ना सीखा हो, किंतु विधाता ने हमें आज एक ऐसे द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया है पांचाली, जहां सदुपयोग और दुरुपयोग की परिभाषा कर पाना बहुत कठिन है। अब क्या होगा, उसकी शक्तियां तो महाविनाश फैला देगी वासुदेव, उसे किसी भी प्रकार रोकिए। जो वाण धनुष से निकल चुका हो पांचाली, उसे लौटाना सरल नहीं होता, उसे न रोकना भी विनाश होगा और रोकना भी एक ऐसे दुख का कारण जो किसी विनाश से कम नहीं होगा। आज पांडवों के संकट और उसके निवारण की परीक्षा है। विधि का विधान आज हमारी भी परीक्षा लेना चाहता है। प्रणाम माताश्री, कुछ सुना आपने? हाँ सुना है, सारा हस्तिनापुर घटोत्कच पुत्र बरबरीक के आने और उसकी अनोखी प्रतिज्ञा के समाचार से गूंज रहा है। यूं ही हमारे सिरों पर संकटों के बादल छाए हुए थे, किंतु ये संकट तो सबसे बड़ा सिद्ध हो रहा है। माताश्री, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, मैं ऐसा कौन सा अपराध कर बैठी हूं जिसकी कोई क्षमा ही नहीं हो। जब से मैंने इस परिवार में प्रवेश किया है, दुर्भाग्य इस परिवार के साथ आंख में चुली खेल रहा है। नहीं पुत्री, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है माताश्री, ऐसा ही है। अधर्मियों के भाग्य में महलों की शीतल छाया और पांडवों के भाग्य में लाक्षाग्रह के भयानक ज्वाला, उनके भाग्य में श्री सत्ता और अधिकार, और हमारे भाग्य में शकुनी के पासे, वन की यात्रा और अपमान, हम पर युद्ध थोपने वालों के शिविर में शांति संतोष और विशाल सेना का अहंकार, और हम मुट्ठी भर लोगों के शिविर में भय आतंक और अभाव। जब केशव ने शत्रुओं के भय से हमें निश्चिंत कर दिया, तब अपना ही रक्त हमारे समाधियों पर
अपनी सिद्धि की विजय पताका फहराना चाहता है। ऐसा क्यों है माताश्री, ऐसा क्यों है? विधाता की आंख में चली हमारे परिवार के साथ ही क्यों हो रही है? शांत हो जा पांचाली, अंत में विजय सत्य की ही होगी। हम सबका अंत करने के पश्चात यदि सत्य की विजय हो भी गई तो किस काम की? नहीं माताश्री, स्वर्गीय पिताश्री पांडु के पश्चात आप ही हमारे परिवार के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हैं। अब तो केवल आप ही बर्बरीक को रोक सकती हैं। यदि बर्बरीक को रोकना मेरे वश में होता वधू, तो मैं इस युद्ध को ही न रोक लेती। पर मैं चाहते हुए भी इस युद्ध को नहीं रोक पा रही हूं। मेरा अस्तित्व तो एक ऐसे अंधकार में ढका हुआ है जिसे सूर्यदेव का प्रकाश भी दूर करने में असमर्थ है। मैं किसी को नहीं रोक पा रही वधू, किसी को भी नहीं। माताश्री, अब क्या होगा? आंधी के इस चक्र को हाथों से तो नहीं रोका जा सकता है। आंधी आए तो फिर उसके आकर निकल जाने की प्रतीक्षा के सिवा किया ही क्या जा सकता है? प्रणाम महर्षि। आयुष्मान भव। क्या बात है, आज तुम अधिक चिंतित दिखाई दे रही हो कुंती। चिंतित तो मैं हूं महर्षि। इस चिंता में तुम अकेली नहीं हो कुंती। बर्बरीक हम सब के सामने एक प्रश्न चिन्ह बनकर आ खड़ा हुआ है। यह कैसी विडंबना है? बर्बरीक हमारे परिवार का सबसे छोटा सदस्य है, किंतु इस समय वो हमारे लिए सबसे बड़ा संकट बन गया है। हर प्रतिज्ञा हमारे लिए एक विपदा, हर शक्ति एक संकट और हर वरदान एक अभिशाप बन गया है। तुम ठीक कहती हो कुंती, बर्बरीक की शक्ति हमारे लिए सबसे बड़ी परीक्षा बन गई है। क्या हम इस परीक्षा में सफल हो पाएंगे? इस प्रश्न का उत्तर वासुदेव के पास है। सब कुछ वासुदेव पर है। पांडव परिवार के मन में जितने भी प्रश्न हैं, उनके उत्तर केवल वासुदेव के पास हैं। पर वो उत्तर देते क्यों नहीं? सत्य बात तो ये है पुत्री, इस प्रश्न का उत्तर भी वासुदेव के पास ही है। महर्षि, क्या आप भी कुछ नहीं कर सकते? हम इस समय केवल इतना ही कह सकते हैं कि सब कुछ वासुदेव पर छोड़, वो जो भी करेंगे हम सबके भले के लिए करेंगे। उनके जो भी उत्तर होंगे न्याय संगत होंगे। उनके हाथों से अन्याय हो ही नहीं सकता, मुझे परम विश्वास है। इस संकट का समाधान वासुदेव ही कर सकते हैं। तुम चिंता छोड़ दो पुत्री। प्रणाम महर्षि। सुखी भव। आओ मित्र, मैं अपने हृदय की गहराइयों से तुम्हारे सम्मुख नतमस्तक होता हूं। मैं तुम्हें और तुम्हारी महानता को सादर प्रणाम करता हूं मित्र। मैंने सदैव तुम्हारी मित्रता को अपने जीवन के लिए प्रकृति का सबसे मूल्यवान उपहार समझा, किंतु अब मुझे तुम्हारी मित्रता पर गर्व है। हां मित्र, जब मैंने सुना कि तुमने बर्बरीक पर छिपकर आक्रमण करने की भूल को मानकर अपने परम शत्रु भीमसेन से क्षमा याचना की,
तो मेरा सिर गर्व से ऊंचा उठ गया। अपनी भूल के लिए शत्रु से क्षमा, यह कार्य कोई तुच्छ या कायर नहीं कर सकता। यह कार्य मित्र, यह कार्य तो कोई शूरवीर ही कर सकता है, और ऐसे ही शूरवीर तुम हो। तुम धन्य हो मित्र, धन्य हो। धन्यवाद तो मुझे तुम्हें देना चाहिए मित्र। यदि तुमने मुझे न रोका होता तो मैं दूसरों के बहकावे और विजय के लोभ में आकर अपने चरित्र पर कायरता का ऐसा कलंक लगा चुका होता जिसे मेरा रक्त भी धो नहीं पाता। मैं क्रोध और महत्वाकांक्षा में अंधा होकर क्षत्रिय परंपरा की सीमा भी पार कर चुका होता। मुझे क्या हो गया था मित्र? मैं जब ये सोचता हूं तो मेरे माथे पर पसीना आ जाता है मित्र। मित्र दुर्योधन, किसी शूरवीर के माथे पर यदि लज्जा भाव से पसीने की बूंदें चमक उठें, तो इतिहास उन्हें मोती समझकर चुन लेता है। मुझे यह पता चला है कि बर्बरिक के विषय में चिंता तुम्हारी न तो अनुचित थी और न ही अकारण। मुझे यह समाचार भी मिला है कि उसके पास अपूर्व सिद्धियां हैं जिनका सामना करना संभव है। हमें इसके लिए कोई ना कोई उपाय तो ढूंढना ही होगा मित्र। नहीं मित्र, मेरे पास सोचने का समय नहीं है, और फिर निर्णय ले लेने के पश्चात कुछ सोचने से कोई लाभ भी नहीं होता। दुर्योधन ने यह निर्णय ले लिया है कि वह परिणाम की चिंता किए बिना उस अग्नि कुंड में कूद पड़ेगा जिसका दूसरा नाम है रणभूमि। नहीं मित्र, मेरे पास उपाय था, लेकिन एक व्यवस्था ने मेरे पांव बेड़ियों से बांध रखे हैं जिनके कारण मैं एक पग भी आगे नहीं बढ़ सका। क्या उपाय था तुम्हारे पास मित्र? यदि पितामह मुझे रणभूमि में सेना का नेतृत्व करने से न रोकते तो मैं पहले ही दिन मित्र दुर्योधन अपनी टुकड़ी लेकर रणभूमि में उतरता, बर्बरिक अपने वाण से मुझे समाप्त कर देता, किंतु दोनों ओर से तुम और पितामह भीष्म आक्रमण करने के लिए बच जाते। तुम दोनों की सेनाओं के बीच ये बर्बरिक चक्की के दो पाटों के मध्य अनाज के दाने के भांति पिस जाता, और विजय विजय मेरे मित्र की होती। तुमने ये कैसे सोच लिया मित्र कि मैं तुम्हारे इस उपाय से सहमत हो जाता और तुम इसकी अनुमति दे देता? महाबली की सौगंध मित्र, दुर्योधन इतना स्वार्थी नहीं है कि इस युद्ध की विजय की वेदी पर अपने जीवन की सबसे महान पूंजी अपनी मित्रता की भेंट चढ़ा देता। बर्बरी की शक्ति मुझे भयभीत नहीं कर सकती मित्र, मुझे तो केवल युद्ध लड़ना है, और इस युद्ध में विजय होती है या पराजय यह सोचने का ना तो मेरे पास समय है और ना ही अवकाश। उगते सूरज को भला रोक सका है कौन? मित्र शत्रु सबको किया बर्बरीक ने मौन। रहे कर्ण की मित्रता दुर्योधन के साथ, फिर न किसी की शत्रुता है चिंता की बात।